हे गेमर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एल्डर गेमिंग में। तो चलिए गेम खेलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के एक और नए और बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज हम वापस से खेल रहे हैं हमारे माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में, और ये है हमारा 1.18 वाला वर्जन जो कि लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो भाई मैंने सोचा यार चलो अपडेट कर ही लेते हैं। तो भाई अब से हम 1.18 में खेलने वाले हो। 1.18 में भाई बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें आई है। मतलब एक सबसे बड़ी मस्त चीज़ है, वो है भाई केओ। इतनी बड़ी बड़ी केव है ना भाई माइनिंग में मेरे को मिली कि मैं क्या ही बोलूं भाई, मज़े आ गए। और मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत इधर ऊपर से यार क्लियर कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो भाई पिलेजर टावर जैसा लग रहा था उसका मैं क्या ही बोलूं। और इधर मैंने बैम्बू वगैरह लगा दिए थोड़े बहुत, और इधर मैंने अपना इंचैंटमेंट टेबल सेट कर दिया। ठीक है, और हाँ मेरे को डायमंड ट्रेड किया है विलेजर्स के साथ में। ठीक है, विलेजर को भाई स्टिक पकड़ा पकड़ा के एमरल्ड लिए हैं। उसके बाद मैं भाई एमरल्ड से मैंने आर्मर खरीदा है। ठीक है, तो अभी मेरे को इसमें यार एक फॉर्चून 3 चाहिए। मेरे पास फिलहाल 2 पिकेक्स है, एक में तो एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग है, इसमें सिल्क टच है। ठीक है, और हाँ ये सब मैंने माइनिंग कर करके भाई आया हूँ केव में से। ठीक है भाई, केव में भाई डायमंड यार भर भर के मिल रहे हैं। लिटरली 31 डायमंड मिल चुके हैं मेरे को केव में से, मतलब डायमंड के और हैं अभी। फॉर्चून 3 जब होगा तब भाई इनको मैं माइन करूंगा। और एक बना लेता हूँ मैं डायमंड की एक्स। ठीक है, और उसके अलावा ये है मेरा ट्रेजर चेस्ट जिसमें मैंने भर भर के ट्रेजर रखा है। एक मेरे को एंशिएंट डेब्रिस भी मिला था, मैं नदर में माइनिंग वगैरह कर रहा था, काफी सारी माइनिंग की लेकिन मेरे को एक ही एंशिएंट डेब्रिस मिला। तो मैंने सोचा भाई फिर क्रिपर फार्म बना लेंगे, उसके बाद में भाई मैं जाऊंगा माइनिंग करने, बिकॉज ऐसे नॉर्मली भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चलो एक्स में एफिशिएंसी 3 में ले लेता हूँ साथ में, और तो कुछ भी नहीं मिलने वाला मेरे को इसमें, बस खाली अरे यार एफिशिएंसी ही मिल रहा है, फॉर्चून 3 क्यों नहीं मिल रहा भाई, वाई। चलो ठीक है, फॉर्चून 2 अपने को मिल रहा है, और 30 लेवल कर लूंगा तो शायद फॉर्चून 3 भी ये मेरे को अब दे देगा। तो अपने को 30 लेवल करने के फिलहाल, और मेरे को बुक शेल्फ भी बनाने पड़ेंगे। बुक शेल्फ मेरे पास में है नहीं ज़्यादा भाई, फिलहाल थोड़े बहुत ही हैं, इनमें से आई थिंक मेरा अभी तक अभी काम चल जाएगा मेरा। तो चलो अभी अपन चल यार, ये मेरे शेडर में भाई पता नहीं क्या ग्लिच है, मेरे जितने भी इंचैंटमेंट वाली चीज़ें वो ऐसी ब्लैक ब्लैक दिखती है जिनका मैं क्या ही करूँ। सब कुछ ओके है, बस खाली है कि इंचैंटमेंट भाई, इंचैंटमेंट वाली चीज़ों को छोड़ के। और इधर मैंने विलेजर को भाई इस तरीके से सेफ कर दिया। ठीक है, चारों बाजू में से भाई मैंने वॉल बना दिए। फिलहाल मेरे पास नेदर ट्रैक था तो भाई उसी से मैंने बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे भाई हमारे सारे के सारे विलेजर्स हैं जो कि हमें अच्छी अच्छी ट्रेड करेंगे। फिलहाल तो बड़ी महंगी ट्रेड करते हैं, बट अच्छी ट्रेड भी करेंगे। तो अभी मेरे को क्या करने का, अभी मेरे को बस खाली इनसे लेवल अप करना है। मेरा जो 15 लेवल है भाई, उसको भाई हाई लेवल पे लेके जाने का है। तो आ जाओ भाई, सभी बंदों को मैं स्टिक पकड़ाने वाला हूँ, और थोड़े बहुत एमरल्ड भी फार्म करते हैं। इससे अच्छा खासा मेरा लेवल बढ़ जाता है भाई, और एमरल्ड भी मिल जाते हैं। इन लोगों को मेरे को ज़ॉम्बी बनवाना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं क्योर करूँगा, तो भाई ये लोग अच्छी ट्रेड करेंगे मेरे को। नेदर फोर्ट्रेस भी मेरे को मिल चुका है, तो नेदर फोर्ट्रेस में से आज मेरे को लेके आने के हैं काफ़ी सारे प्लेस रोड, जितने भी मिल पाए उतने। फिलहाल तो अपने मैक्सिमम बंदे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं भाई। तू अरे यार सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो जाते हैं। ओके चलो, ये बंदा बेच रहा है। ओह भाई साहब, ये 19 एमराल्ड में मेरे को पावर प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, तो भाई ये वो तो लेना बनता है। चलो भाई एक ये वाला बो मैं ले लेता हूँ, इन्फिनिटी अगर अपने को मिल जा रहा है तो भाई इससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। किधर गया बे, जरा गिव मी इन्फिनिटी वाला बो। मेरे पास में जो बो है इसमें पावर 2 है, और इसमें भी पावर 2 है, तो पावर 3 हो जाएगा। चलो, और ये बंदा मेरे को क्या दे रहा है। ओ हाँ यार, मेरे को थोड़े बहुत प्लेंट भी चाहिए रहेंगे। भाई ये क्या मजाक है भाई, मैंने सभी को अंदर पैक करके रखा है भाई, कहीं पे भी आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं, व्हाट द हेल। ओ अच्छा, यहाँ से आए हैं भाई। यार मैंने क्या ही ड्रामे किए हैं भाई, हद है। चुपचाप भाई अंदर ही बैठा रही हो, समझ गया भाई, हद है यार। मतलब एक छोटी सी गलती और भाई सारे के सारे विलेजर बाहर,
मतलब भाई हद ही पार कर देते यार, विलेजर पहुंच चुका है, कोर इधर कहीं घूम रहा था, अभी वो भाड़ में जाए भाई वो मरेगा, बोर कुछ हो नहीं सकता है उसका। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेंट्री क्लीन कर लेता हूँ, ये सारी की सारी चीजें इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये सारे सारे वो मैं मिक्स कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को चाहिए आयरन। ओके आयरन अपने पास में है काफी सारे, ब्लॉक्स भी ले लेता हूँ, और उसके अलावा इधर मेरे पास में यहाँ पे भी काफी सारे आयरन वगैरह हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं एक स्टैक रख देता हूँ भाई, ज्यादा यूज भी नहीं करने हैं। चलो भैया वेपन वाले ये लो, जितने आयरन चाहिए। अरे लोल ये तो इतना में ही खत्म हो गया क्या यार। ओके तो एफिशिएंसी 2 और सिल्क टच वाली एक्स मेरे को दे रहा है, बस इसमें पिकेक्स की कमी है एक्सपर्ट लेवल के लिए अभी भी। ओके ठीक है, तो अभी भी ये एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना बाकी है, एंड अपने 30 लेवल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये ट्रेड करने आया तो भाई सारा का सारा ट्रेडिंग वाला कामकाज फिनिश करके ही मैं निकलता हूँ इधर से। तो इस बंदे को थोड़े से और चाहिए, मेरे पास में फ्लिंट तो है नहीं, इसका स्टॉक चला गया है, और मेरे को शावली खरीदनी पड़ेगी क्या। चलो एक्स खरीद लेते बिकॉज मेरे को काफी सारे, अरे यार ये हर चीज में भाई खत्म ही हो जा रहा है ये, ले भाई ले ही ले यार तू। चल मेरे को एक मस्त वाली पिकेक्स ला के दे, ठीक है। आई वॉन्ट ऑसम पिकेक्स। अरे भाई साहब फॉर्चून 1 दे रहा है, लेकिन मेरे को भाई बहुत सारी खरीदनी पड़ेगी यार फॉर्चून 1 के लिए। ओके ठीक है, चलो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और अपने पास में फिलहाल काफी अच्छी अच्छी आइटम्स हो चुकी है, प्लस अपने पास में अभी भी एक स्टैक एमरल्ड है और आयरन, चलो आयरन की कोई खास कमी नहीं है, तो इसको फिलहाल मैं रख देता हूँ, एक मैं रखूंगा। अपने पास में ये एफिशिएंसी क्या ही बोल रहा हूँ, सिल्क टच वाली क्या बोलते हैं शावल लूल, और एक मेरे को एक्स चाहिए, ठीक है। एक्स में एफिशिएंसी 3 कौन सी थी, ओके ये एफिशिएंसी 3 है ना, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें मैं इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास में काफ़ी सारी मस्त मस्त चीज़ें आ चुकी है, और एक सिल्क टच भाई मेरे को चाहिए। ओके तो लेट्स सी भाई, मेरे को फॉर्चून 1 मिल रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से अब, अरे एक मिनट, मेरे को सबसे पहले तो इनके प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे सभी को। अरे इतनी दूर लगाने का किसने बोला है भाई। ओके इसमें सिल्क टच था, इसके लिए मैंने पिकेक्स से तोड़ा है। अभी आई थिंक मेरे को फॉर्चून 3 मिलना चाहिए, फॉर्चून 2 मिल रहा है 28 लेवल में। ओके तो आई थिंक ये 30 लेवल कंप्लीट होगा तो फॉर्चून 3 मेरे को दे देगा। अरे यार फॉर्चून 2 ही दे रहा है मेरे को, फॉर्चून 2 चलो ले लेते हैं ना यार, फॉर्चून 2 भी काम आएगा। ओके तो 29 लेवल हो चुके हैं अपने पास में, और अभी चलो सब कुछ रख देता हूँ मैं, फालतू की चीज़ें जो मेरे को नहीं चाहिए वो सब को, और ये सब चीज़ों पे भाई चलो सबसे पहले तो इन दोनों को मिक्स करना है। 9 लेवल जा रहा है भाई, कमोन सस्ते में काम होगा और महंगा हो रहा है भाई ऐसे तो। चलो एक तो ये तो चीज़ भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे को एक चाहिए, तो इसमें पावर 3 है एंड इन्फिनिटी और अनब्रेकिंग 1 है। ओके और ये पावर 2 और ये हो जाएगा अनब्रेकिंग 2, और एक मिनट ये अनब्रेकिंग 3 हो गया ना, नहीं 2 ही हुआ है। ऐसे 18 लेवल चाहिए भाई, सस्ते में हो रहा है क्या, 10 लेवल चाहिए मिनिमम। तो अपने पास में पावर 4 इन्फिनिटी प्लस अनब्रेकिंग 2 आ जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहा है तो भाई इसको साइड ही में रख देता हूँ। तो मेरे पास में फिलहाल है पावर 3 और इन्फिनिटी और एक अनब्रेकिंग। ऑल राइट तो अपने पास में अच्छा खासा वो भी हो चुका है। ओके 10 लेवल हो चुका है ना भाई, मैं क्या ही देख रहा हूँ, तो इसमें मिला देता हूँ फॉर्चून 2। ओके तो अपने पास में फॉर्चून 2 आ जाएगा इसमें, एंड मेरे को एक और फॉर्चून 2 अगर मिल जाए तो भाई फॉर्चून 3 भी हो जाएगा। और अपने पास इधर है सिल्क टच एंड वेरी गुड भाई, अपने पास काफी मस्त मस्त डायमंड की चीजें हो चुकी है और इतना कामकाज हो चुका है। और अब ओके तो अभी अपन कतई रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और रेडी क्यों हुए हैं भाई, मेरे को जाने का है केओ एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई 1.18 में भाई मस्त मस्त केओ आई है, तो उन केओस को भाई हम जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑल राइट तो अभी अपने पास में हो चुका है एक ये वाली फॉर्चून 2, और उसके साथ में मेरे पास में एक और है फॉर्चून 2, तो भाई हो जाएगी हमारे पास में अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4 प्लस फॉर्चून 3 और वेरी गुड। और इधर से 18 लेवल हुए, वरना भाई 21 होते अगर मैं घुमा देता। तो अभी अपने पास में ये वाली एक पिकेक्स हो चुकी है फॉर्चून 3 वाली, और एक है एफिशिएंसी प्लस सिल्क टच वाली, और अपने पास में टूल्स वगैरह भी हो चुके हैं और बो वगैरह भी हो चुके हैं, और अपने पास में
एक्स्ट्रा फालतू चीज है भाई, मैं रख देता हूँ इधर। ओके, तो मेरे को विलेजर्स के साथ में भाई थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वगैरह करनी थी, जो कि मैं करके आ चुका हूँ। ठीक है, अभी बहुत हो गया विलेजर के साथ में। और इधर मैं अपने बेस को इधर की साइड से एक्सपेंड करने का सोच रहा हूँ। ये डिजाइन वगैरह हम बाद में चेकआउट करेंगे, ठीक है, बाद में मैं बनाऊंगा। मेरे को अभी भी काफी सारा रिसोर्स वगैरह चाहिए, उसके बाद में भाई मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे को अभी एक टॉर्च चाहिए, और इस टॉर्च को मैं रखने वाला हूँ अपने इस हैंड में, और एक बकेट ले लेता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी अपन बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे मैंने ये एमेथेस्ट वाले जितने भी ब्लॉक्स थे ना भाई, सारे के सारे ले लिए थे। और बाकी ये अभी क्रिस्टल वगैरह, इसमें से मैं माइन करता रहूँगा, तो मेरे पास में बहुत सारे क्रिस्टल वगैरह भी हो जाएंगे। इनसे हम वो वाले ग्लास बना सकते हैं जो कि ब्लैक कलर के रहते हैं और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो अभी हम माइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो भाई एक काम मेरे को करने का है, और वो ये है कि भाई मेरे को अपना शेडर को भाई ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है माइनिंग के एरिया में। ओके ठीक है, तो अभी माइनिंग के लिए भाई हम शेडर ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। और इधर से मैं पूरा का पूरा डाउन भी जाके देख चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑन करूँ तो पहले 0 तक ही हमारे कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, ठीक है। ओके ठीक है, तो पहले इस लेवल तक भाई हमारा वर्ल्ड हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे वर्ल्ड को भाई 60 लेवल तक नीचे की साइड में एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब -60 तक के हमारे कोऑर्डिनेट्स अभी तक अब हो जाते हैं 1.18 में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने ऐसे नॉर्मली अलग अलग लेवल्स पे जाके भाई मैं माइन वगैरह कर करके आया और देखा भाई, लेकिन मेरे को कुछ ढंग का मिला नहीं, क्योंकि हमारे 11 लेवल पे जितने डायमंड्स वगैरह मिलते हैं ना भाई, उतने डायमंड्स इस लेवल पे एक्चुअली में मिलते नहीं हैं। तो भाई मैंने फिर यहाँ नीचे के साइड में इतने नहीं मिलते हैं ज़्यादा करके। भाई अपने 11 लेवल पे अपन माइंड करते हैं तो बहुत सारे भर भर के यार डायमंड्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने डायमंड नहीं मिलते। तो भाई फिर मैंने सोचा यार चलो ऊपर ही माइंड करते हैं। तो इधर की साइड में है हमारी एक बहुत ही बड़ी और जाइंट केव, तो अभी हम इस केव को एक्सप्लोर करने वाले। इधर आगे की साइड में थी, तो ये है मैसिव केव 1.18 की। भाई साहब मतलब ये अभी ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो छोटी सी केव है, बड़ी तो भाई ओके अभी भी छोटी है। मैं एक जगह पे भाई गया था और इतनी बड़ी केव थी भाई, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई इतनी जाइंट केव थी ना, उस केव को मेरे को जाके एक्सप्लोर करने का है। और एक्चुअली में इसमें ड्रिप स्टोन भाई ये भर भर के मिलते हैं। एक केव मैंने ऐसे भी देखी थी जहाँ पे भाई बहुत सारे, मतलब भर भर के यार पूरी की पूरी केव ही ड्रिप स्टोन की थी, और इतनी बड़ी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। डोंट डोंट डोंट, ओके बच गया, चलो मुझे लगा फूट जाएगा, लेकिन 2 शॉट में चलो मर गया क्रिपर। ओके, तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई ये लोग फटते रहते हैं, फट गया भाई, ये लोग स्पॉन होते रहते हैं बहुत सारे बंदे वगैरह, तो अपने को भाई परेशान कर डालते हैं। चलो ओके, तो पावर 3 होता है तो 2 शॉट में भाई ये बंदे मर जाते हैं। वेरी गुड, चलो ये ज़्यादा सही है। तो अभी अपने को वो ड्रिप स्टोन वाली बायोम में सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ जाके एक्सप्लोर करूँ, जाके एक शॉट इसको मारने का मेरे को। एंड आई जस्ट होप, कम ऑन मार दे भाई। ओके क्या इसने, ओके सीडी ड्रॉप की, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैंने सोचा था भाई भाई कते परफेक्ट टाइमिंग थी सभी चीजों की। एंड भाई उस स्केलेटन से भाई मैंने क्रिपर को मरवा दिया, और भाई उसने सीडी ड्रॉप कर दी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया। ओके, तो मैं आ तो चुका हूँ इधर वाली जगह पे, अभी मेरे को बस खाली मेरी चीजें लेनी है, और कोई भी अगर क्रिपर फटेगा ना भाई मेरी चीजों पे तो मेरी लग जाएगी, सारी चीजें डिस्पोन हो जाएंगी। छट 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 छट, प्लीज 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 प्लीज, नहीं 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 भाई, बहुत ज्यादा मॉब है इधर भाई। कमॉन कमॉन कमॉन, सारी चीजें उठा के भाई निकल ले, चुपचाप भाग ले भाग ले भाग ले भाई, ये लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक पायो में। शिट, ऑल राइट भाई, जैसे तैसे करके भाई मैं अपना स्टफ लेके आया हूँ। डोंट कम हियर एनीवन प्लीज। ऑल राइट ठीक है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, तो भाई अब मैं इन बंदों को धोने वाला हूँ। आ जाओ भाई, कितने हो, सारे के सारे हो। मेरी एक स्वॉर्ड भाई पता नहीं किसी बंदे के पास में है। चट 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 चट, मेरे को मेरी स्वॉर्ड वापस चाहिए। अरे भाई ये छुटकू तेरी तो ऐसी की तैसी, चल निकल ले।
ऑलराइट अपनी स्वॉर्ड लेके आनी भाई, किसी ने तो भी मेरी स्वॉर्ड पकड़ रखी होगी। चलो ये तो गया। अभी भी यार यहाँ पे बंदे वन शॉट किल नहीं हो रहे हैं। तू मर ले पहले भाई, इसको तो मैं बाद में मार दूंगा, वो चलेगा मेरे को। लेकिन भाई व्हाट, ये स्केलेटन है तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे ये कौन से टाइप का स्केलेटन है? अच्छा ये इसने मेरी स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। डूल भाई स्केलेटन को बॉस से अच्छा अगर डायमंड की स्वॉर्ड अगर मिले तो भाई स्वॉर्ड पकड़ लेते क्या। व्हाट द हेल, व्हाट द ओके। अभी मेरे को लग रहा है इधर से निकलना चाहिए या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ। और वो पता है क्या, मैं यहाँ पे डिफिकल्टी भाई डाउन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भाई केव एक्सप्लोर करना है तो भाई ये लोग मेरे को परेशान करते रहेंगे बस खाली। बाकी मैं इनको मार तो दूंगा आराम से। चलो डिफिकल्टी पीसफुल कर देता हूँ मैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो इधर कोई भी बंदे स्पॉन नहीं होंगे। ऑलराइट तो मेरे को बस खाली केव अच्छे से एक्सप्लोर करनी है, वरना ये लोग भाई हार्ड डिफिकल्टी में भाई ये लोग खाली परेशान करते रहेंगे। बाकी और कुछ होगा नहीं, मरूंगा वापिस से भाई, आके मारूंगा स्टफ लूंगा, टाइम वेस्ट खाली, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो भाई अभी अपन डिफिकल्टी बिल्कुल पीसफुल मैंने कर दी है। और मेरी स्वॉर्ड किधर गई? ओके आ गई। चलो तो अभी अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं ये पूरी केव को। और इधर मेरे को यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को चाहिए बस खाली ड्रिप स्टोन। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो इधर ऊपर की साइड में गोल्ड वगैरह है और इधर डायमंड वगैरह ऊपर ही अपने को मिल जाते हैं। वो मेरे को जितने 38 या 34 जितने भी डायमंड के और थे ना, वो सारे के सारे मेरे को ऊपर ही ऊपर मिल गए थे भाई। मतलब इतने सारे डायमंड इधर मिलते हैं। अरे यार ये खत्म हो गई, व्हाट द हेल। ओके तो फाइनली आ चुका हूँ मैं इस मैसिव केव में। भाई साहब देख रहे हो कितनी बड़ी केव है भाई, ये लिटरली इतनी बड़ी केव है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं फिलहाल इधर एक डायमंड के लिए भाई इतने ऊंचाइयों पे आया हूँ। और उधर है कि ये वाले ये कौन से थे भाई, इधर मोस ब्लॉक मिलेंगे मेरे को, तो ये मोस ब्लॉक भी भाई मैं लेना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं भाई गिरे बिना। और ये ड्रिप स्टोन भी मैं ले लेता हूँ। ये एक्चुअली उधर किधर गए? ओके वो रहे इधर भर भर के हैं। और एक जगह मैंने ऐसी देखी थी जहाँ पे भाई इतने सारे ड्रिप, मतलब भाई पूरी पूरी केव ही थी भाई जिसमें ड्रिप स्टोन ही ड्रिप स्टोन थे। तो अभी अपन उस जगह पे भी जाने वाले हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन इधर जाने वाले हैं ये वाले। ओके तो ये जो मोस ब्लॉक वाला इलाका है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके आता हूँ, मतलब एक्सप्लोर करके आता हूँ। ये वाला इलाका मैंने अभी तक देखा नहीं हो। इधर आसपास में भाई मेरे को टोटल 9 डायमंड अभी तक मेरे को मिल चुके हैं। और ओके ये वाला पूरा एरिया मैंने एक्सप्लोर कर डाला है ठीक है। इधर आसपास जो जो काम काम की चीज़ें थी वो सारी मैंने ले ली है। और मेरे को अभी बस खाली इतनी हाइट पे जाने का है। ओके ठीक है ऑल राइट। तो अपन आ चुके हैं ऊपर। और भाई साहब क्या ही ब्यूटीफुल है यार, क्या ही ब्यूटीफुल है। मतलब भाई मज़े आ गए यार इस अपडेट में भाई, इतनी मस्त मस्त चीज़ें ऐड की है ना यार कि मैं क्या ही बोलूँ। पहले आई थिंक ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वो भी इस तरीके से। अभी यार इस केव में भाई इतना मस्त यार ब्यूटीफुल लग रहा है, ऑसम यार मज़े आ गए। चलो तो सिल्क टच से आई थिंक मैं ये ले पाऊंगा या फिर ये नॉर्मली मैं क्या जैसे ले पाऊंगा आई डोंट नो। बस 4 ही मिले लूल, ये मेरे को मिल रहा है ना। ओके तो मोस ब्लॉक है, मैं घर के पास भी एक मोस ब्लॉक था उसमें मैंने बोन मिल मारा था, तो भाई वो फिर ग्रो होके भाई काफ़ी मस्त मस्त उसमें सब कुछ, एक पेड़ भी उग गया था जिसमें भाई फ्लावर वाला पेड़ आया था, तो फ्लावर वाला पेड़ भी भाई बन गया था खाली उस एक मोस ब्लॉक से बोन मिल मारने से। तो यहाँ से मैं भाई मोस ब्लॉक उठा लेता हूँ। और ये मैं अपने बेस के आसपास भाई जितनी भी जगह है ना हर जगह भाई मोस ब्लॉक मार के भाई उसमें बोन, मतलब मोस ब्लॉक लगा के बोन मिल मार दूंगा। तो भाई पूरा का पूरा एरिया एकदम कते ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऑल राइट ठीक है। तो अभी अपने पास 33 है, इतने आई थिंक इनफ होने चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। और यहाँ से मैं ड्रिप स्टोन ले लेता हूँ, ये अपने को काम आएंगे थोड़े बहुत क्या काफ़ी काम आने वाले, बिकॉज इनसे भाई मस्त मस्त फार्म बनने वाले हैं। इनसे मैं कौन कौन से फार्म बना सकता हूँ? एक तो वाटर का फार्म बना सकता हूँ, एक लावा का फार्म बना सकता हूँ, और तीसरा फार्म है पोशन फार्म बना सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए। और भाई बादल गरज रहे गेम के अंदर।
भाई रियल लाइफ में तो ठंडी का मौसम चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे भाई अब बादल गरज रहे हैं। और यहाँ से भाई मैं चलो यहाँ से जितने भी है भाई सारे सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो ये तो फिलहाल हो चुके अपने पास में टू स्टैक और थोड़े बहुत मोस ब्लॉक लेने। और मेरे को ये पिंक वाला फ्लावर देखना है भाई, ये पिंक फ्लावर क्या मेरे को मिल पाएगा? आई वॉन्ट टू सी भाई, ये काफ़ी मस्त ब्यूटीफुल लग रहा है। तो भाई इसको भी अपन देख लेते हैं। और ये सिल्क टच से आई थिंक मिल जाना चाहिए। ओके वेरी गुड यार, स्पोर ब्लॉसम, ओके स्पोर ब्लॉसम इसका नेम है। और ये काफ़ी मस्त है भाई, मज़े आ गए। चलो इस तरीके से भाई यहाँ पे तो काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं। तो चलो अभी मैं ये मोस्ट ब्लॉक ले लेता हूँ जितने भी मैं ले सकता हूँ यहाँ से। और उसके बाद में भाई अपन इस केव से निकलते हैं या फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ उस केव को। वैसे देखा जाए तो भाई मॉब्स अगर भर भर के होते तो और ज़्यादा मज़ा आता फाइट वगैरह करने में, लेकिन फिलहाल फाइट करने का यार ज़्यादा मूड नहीं है। बच गया भाई, वरना मेरी लग गई थी इधर। ओके तो इधर एक और पिंक फ्लावर है जिसके लिए भाई मैं यहाँ तक आया हूँ और आई होप इस पिंक फ्लावर को मैं ले पाऊँ। ऑलराइट ठीक है, तो अभी अपन नीचे चलते हैं भाई। नीचे अपन पूरा ढेर करके रखा है सारा के सारा भाई, इतनी सारी चीज़ें मैंने तोड़ डाली है एक ही बारी में। ऑलराइट सारी सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अपने पास टोटल ये 3 से 4 फ्लावर आ चुके हैं और ये भाई कतई मस्त लगेंगे यार डेकोरेशन के लिए भाई, ये बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें हैं लिटरली। ऑलराइट और इसी के साथ में इसमें एक छोटा सा ग्लिच भी है जो कि भाई चीज़ें रेंडर अच्छे से नहीं होती हैं भाई लिटरली। ये एक ग्लिच है इस गेम के अंदर 1.18 वाले वर्जन के अंदर, क्योंकि उधर वो जो आसमान दिख रहा था ना भाई, ओके अभी नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था, वो रेंडर नहीं होता है। कभी कभी काफ़ी जगह पर ऐसा हो जाता है कि भाई आगे का एरिया रेंडर ही नहीं होता, मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सामने का ये वाला ब्लॉक है तो भाई वो रेंडर ही नहीं होगा। मैं माइनिंग में भाई ऐसा बहुत बार हुआ यार लिटिल, मेरे को न जाने कितनी बार भाई ऐसा दिखा है कि भाई सामने रेंडर ही नहीं होता एरिया। ओके तो इधर भी है डायमंड, क्या बात है। चलो इधर साइड साइड से ही जाना पड़ेगा, प्लीज़ यार लावा मत निकलना कहीं पे भी, कम ऑन यार कभी तो 2-3 मिल जाया कर भाई। देखा जाए तो इधर, ओ भाई साहब इधर ही लावा था लुल। ओके तो यहाँ पे भी इस तरीके से लावा रहता है अपने नेदर की तरह, चलो अच्छी बात है, मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक है, अच्छी बात भी नहीं है बहुत ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है भाई। ये चीज़ तो थोड़ी सी अजीब है लेकिन ठीक है, चलो उतर के देखते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पानी भी है भाई, मतलब काफ़ी मस्त है भाई, मज़े आए। चलो इस चीज़ में काफ़ी सही है भाई ये अपडेट में, एक्चुअली में काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं। एक तो इतनी बड़ी बड़ी केव है, उसके अंदर भी भाई केव के अंदर भी इतने बड़े बड़े झरने वगैरह हैं जो कि औसम है भाई। और यहाँ पे अलग अलग जगहों पर भाई बहुत ही ज़्यादा जगहों पर भाई डायमंड मिलते हैं लिटरली। मेरे पास कितने 13 हो चुके हैं अब तक तो। और ये वाला एरिया पता है मैंने पूरा एक्सप्लोर करके रखा था ऑलरेडी, मेरे पास जो 33 डायमंड के ब्लॉक थे ना भाई वो और थे ना, वो इसी एरिया में से भाई मैंने फाइंड किए थे। और ये 13 वो और हैं जो कि भाई मैं एक बारी में भाई मेरे को दिखे नहीं थे, तो जो अब सेकेंड टाइम मैं एक्सप्लोर करने आया था तब भाई मैंने वो सारे के सारे फाइंड किए हैं। और इधर अलग अलग जगह पर भाई मिल जाते हैं जब मैं ऐसे जूम करता हूँ ना तब भाई, ये तो मुँह पे ही स्पॉन होते हैं भाई। ऑल राइट तो अभी अपन निकल सकते हैं इधर से, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर डाला है भाई, अब और इसमें तो कुछ बचा नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं भाई ऊपर वापस से, आई होप इधर कहीं वाटर ही होगा कहीं ना कहीं तो ऊपर की साइड में। ठीक है चलो भाई ऐसे ही एक एक ब्लॉक माइंड कर करके मेरे को अब ऊपर जाना पड़ेगा, तो पहुँचता हूँ चलो ऊपर। और अब सीधा घर ही पे पहुँचते हैं भाई क्योंकि बहुत एक्सप्लोर हो गया ये सारे का सारा। ऑल राइट आई थिंक मैं पहुंच चुका हूं अपने बेस के आसपास कहीं ना कहीं शायद, कम ऑन यार। ओके ठीक है, इधर ये वाली बायोम है ना अकेसिया बायोम, और अकेसिया के आसपास ही में भाई मेरी वो वाली बायोम भी है जहां पे मेरा बेस है। ओके वो रहे बैम्बू वगैरह लगे हैं, दूर से ही दिख जाते हैं मेरे को। ओके तो अभी अपन मैं सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें रख देता हूँ, और मेरे पास ग्लोबेरी खाली 40 आई है, वैसे देखा जाए तो 40 भी काफ़ी है, तो चलो रख देते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। म्यूजिक डिस्क भाई मैंने कतई मस्त तरीके से निकाल ली भाई उस क्रीपर से,
मजे आ गए भाई, वो म्यूजिक डिस्क एकदम आराम से भाई मिल गई थी लिटरली। ऐसी बहुत सारी होंगी यार, कलेक्ट करनी पड़ेंगी मेरे को अलग अलग जगहों पे जाके। ऑल राइट, तो अभी अपना ये सारा कामकाज तो हो चुका है और अब मेरे को एक मस्त वाला कामकाज करने का है, और वो है भाई नेदर के अंदर जाके ब्लेज रोड लेके आने का। तो चलो सबसे पहले तो मैं एक वो बना लेता हूँ, वरना भाई फालतू में ये बंदे मेरे को परेशान करते रहते हैं, जो कि मेरे को कतई पसंद नहीं है। एंड फूड थोड़ा और चाहिए रहेगा, इतने से काम होगा नहीं, क्योंकि उधर अपनी धुलाई होने वाली है। ओके 24 और भी आ गया, वेरी गुड। चलो तो थोड़ी बहुत तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास लूटिंग आ जाता तो भाई मज़ा आता, फटाफट यहाँ मिल जाता सब कुछ। लेकिन ठीक है चलो, अभी वैसे देखा जाए तो लूटिंग ले लेना चाहिए ना मेरे को, उसके बाद ही जाना चाहिए, वरना भाई यहाँ पे आधा आधा घंटा मेरे को लग जाएगा। वैसे एक मिनट, मेरे को कोऑर्डिनेट वापस से चेक करने पड़ेंगे। चिट चिट, बस ये बंदा परेशान ना करे ना। तो ओके, तो नेदर फोर्ट्रेस की कोऑर्डिनेट्स थी 140 एंड 20। ओके तो 140 एंड 20 कोऑर्डिनेट्स है अपने नेदर फोर्ट्रेस के। अरे यार यहाँ पे ये लोग ही मेरे को यार परेशान करके रख देंगे भाई, मैं क्या ही एक्सप्लोर करूँगा। आ जाओ, तेरी तो ऐसी की तैसी, आ जा। अबे भाई कितने खाएगा, अमर जय शांति से। ओके तो 140 एंड 20 पे मेरे को जाने का है। ओके फाइनली आ चुके हैं भाई हम नेदर फोर्ट्रेस के कतई बाजू में। ऑल राइट, ओके ठीक है, प्लेस की आवाज़ आ रही है भाई। एक काम करता हूँ, इधर से भाई पूरा का पूरा भाई कतई सेफ रखना चाहता हूँ, कोई भी यार फालतू के पंगे मेरे को चाहिए भी नहीं भाई, आने जाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे नेदर पोर्टल से भाई डायरेक्ट यहाँ तक की माइन है। एंड अभी मेरे को चाहिए था एक फायर रेसिस्टेंस, जो कि मेरे को मिल जाती तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है चलो, ओके चलो मारते हैं भाई ब्लेज को। कमोन यार, एक ब्लेज रोड तो दे देती, मतलब दे देता जो भी हो भाई, लड़की है या लड़का है ब्लेज, आई डोंट नो यार। अरे यार मेरे को एक फायर रेसिस्टेंस यार लेके आनी पड़ेगी लिटरली भाई, किसी ने भी मेरे को फायर रेसिस्टेंस की पोर्शन नहीं दी भाई। सोल स्पीड 1 की बूट दे दी, लेकिन जो चीज़ चाहिए थी भाई वो तो दी ही नहीं। ओके ठीक है चलो, चलते हैं भाई वापस से ओवर वर्ल्ड में, थोड़ा बहुत गोल्ड का बंदोबस्त करके आते हैं। और मेरे वर्ल्ड की जो सबसे घटिया बात है भाई, मेरे को पता नहीं कौन सी जगह पे भाई, यहाँ पे मैंने ये नेदर पोर्टल था उसको तोड़ दिया तो भाई दूसरा बन गया। अभी ये मेरे को एक चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, मतलब इसमें समझने जैसी कोई बात ही नहीं है भाई, जबरदस्ती का भाई दूसरा पोर्टल क्यों बन गया है। कमोन यार, पूरा एक स्टैक खाली कर डाला यार, लेकिन भाई मेरे को एक पोर्शन भी नहीं दी यार, हद है भाई। भाई पहले तो यार 10-10, 20-20 में भाई दुनिया भर के यार फायर असिस्टेंस के पोर्शन मिल जाते थे, लेकिन भाई अब फायर असिस्टेंस के पोर्शन देने का रेट काफ़ी कम कर दिया लग रहा है मेरे को लिटरली। अबे तेरी तो ऐसी ऐसी छुटकू कहीं के निकल पे तैयार, मरा नहीं। ओके भाई साहब, इधर घमासान युद्ध छिड़ने वाला, मैं निकल लेता हूँ चुपचाप। ओके तो अभी मैंने एक बंदोबस्त कर दिया है अपने स्वाड के लिए। मेरे को इधर एक बंदा दे रहा है लूटिंग 3, और लूटिंग 3 वाला बंदा कहाँ गया। ओके ये वाला रहा, तो इस बंदे से मैं लेने वाला हूँ भाई एक लूटिंग 3 की बुक, और भाई डालने वाला हूँ मैं अपनी स्वॉर्ड में। काफ़ी एक्सपेंसिव दी लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा यार भाई 32 एमराल्ड की भाई लूटिंग 3 दी है उस बंदे ने, लिटरल लूटिंग 3 के चक्कर में भाई उसने लूट लिया है मेरे को बट कोई बात नहीं यार, हम हो जाएगा एमराल्ड और सभी चीज़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। फिलहाल स्टार्टिंग में यार थोड़ा सा लूटना पड़ता है, बाद में तो भाई हम ही लूटने वाले हैं इन बंदों को हर एक बंदे को भाई हम लूटेंगे। तो अभी हम डाल लेते हैं हमारी स्वॉर्ड में लूटिंग 3, और वेरी गुड, तो हमारी स्वॉर्ड में आ चुकी शार्पनेस अनब्रेकिंग प्लस लूटिंग, क्या बात है। तो अभी मैं अपनी इन्वेंटरी अगेन क्लीन करता हूँ भाई, पता नहीं कितनी बार इन्वेंटरी क्लीन करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है चलो एक बार और इन्वेंटरी क्लीन कर देते हैं। मेरे को एक पिकेक्स की ज़रूरत है एक्चुअली भाई, मैंने सारी चीज़ें इधर कहीं रख दी थी, फॉर्चून नहीं सिर्फ टच रखता हूँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए रख दी थी क्योंकि नेदर में भाई कोई भरोसा नहीं है, कभी भी भाई हम मर सकते हैं। और मैं एक ये ले लेता हूँ,
और एक शील्ड होनी चाहिए मेरे पास में। ओके, गोल्ड का नहीं पहना, मतलब भाई ये वाले बंदे अपने को परेशान कर सकते हैं, लेकिन अपने को भाई सीधा इधर नीचे चले जाने का है। और यहाँ से मैंने एक रास्ता बनाया है, ये सीधा सीधा भाई मेरे को लेके जाएगा नेदर फोर्ट्रेस तक। और इस बंदे को शिट 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 भाई लैग मत हो यार प्लीज भाई, लिटरली यार इसका एक और शॉट पड़ा होता है तो मैं डेड था सीधा। भाई ये गोल्ड की स्वाड वाला बंदा भाई लिटरली इनका डैमेज बहुत हाई होता ही है, या फिर इस टाइम इन्होंने डैमेज या इंक्रीज कर दिया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई ये बहुत ही गंदा मारता है लिटरली यार। दो शॉट में भाई मेरे डायमंड का आर्मर है, लेकिन भाई तीन शॉट में भाई वो बंदा मेरे को मार सकता है, और आयरन के आर्मर में भाई वो दो ही शॉट में मेरे को ले जाता है, और आर्मर ना पहना हो तो भाई वन शॉट किल कर देता है। मतलब भाई इतने खतरनाक तो ज़ॉम्बी भी नहीं होते यार, ज़ॉम्बी भी कम से कम यार तीन शॉट लेते हैं तब ज़ॉम्बी मार पाते हैं, लेकिन ये नेदर है वैसे देखा जाए तो। कोई ना, चलो यार, है यार खतरनाक है ये स्वॉर्ड वाले तो खतरनाक है, और स्वॉर्ड में भाई किसी के पास एन्चेंटमेंट वाली स्वॉर्ड हो तो वो तो भाई और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं बस खाली ये लावा ब्लॉक करना चाहता हूँ, जिससे कि भाई इन फ्यूचर मैं ज़बरदस्ती का भाई लावा में ना जल जाऊँ। ओके ठीक है, अभी अपने सारे रास्ते क्लियर हैं। ओके वन वन, अरे यार साथ में आसमान पे क्यों उड़ गया भाई तू। ओके तो आ चुकी है हमारे पास में एक ब्लेज रोड। ओके और ओह शिट 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 शिट। ओके मेरे पास फायर रेसिस्टेंस नहीं है, इस चीज का मेरे को ध्यान रखना है। क्या मैंने इसको मार दिया गलती से, डोंट टेल मी। ओके नहीं मारा है ना भाई, अब प्लीज तू निकल ले यार इधर से। 15 आ गई, वेरी गुड। अब तो एक और मार लूंगा, उसके बाद फिर दोबारा मेरे को ब्लेज रोड लेने आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ऑलराइट ठीक है, फिलहाल 19 आ चुकी है, 19 इनफ है, और अभी अपन निकल रहा है भाई भाड़ में जाए सब कुछ दुनियादारी। ठीक है भाई, बाद में आके मैं कलेक्ट कर लूंगा, फिलहाल यार ये फायर रेसिस्टेंस भी मेरे पास में नहीं है तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बाद में आके भाई मैं ले जाऊंगा और ब्लेज रोड वगैरह। तो अभी भाई हमारे पास में 19 आ चुकी है, तो भाई ओ इससे उजाला भी होता है, वेरी गुड। मेरे को पता नहीं था भाई, ब्रूविंग स्टैंड बनाता हूँ, और एक वो भी मेरे को बनाने का था, क्या बनाने का था, एंड चेस्ट। तो उसके लिए मैं ऑब्सीडियन इधर ही से लेके जाऊंगा लिटरली, मैं वहाँ नीचे माइन करने कतई नहीं जाने वाला। क्योंकि भाई यहाँ पे ये फालतू में नेदर पोर्टल इधर बन जाता है, मैं कतई नहीं चाहता भाई यहाँ पे मेरा वापस आने का रास्ता हो, लेकिन भाई यहीं पे है, कोई बात नहीं, ये मैं ऑब्सीडियन ले रहा हूँ, लेकिन वापस से भाई ये बन जाएगा मेरे को पता है। नाउ मेरे को एक मिनट, मैं पहले कितने एक तो और तीन ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ, ठीक है, और बाकी के बचे कुछ थोड़े बहुत मैं बना लूँगा ब्लेस पाउडर। ऑल राइट, और मेरे को एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ है एंडर पर्ल। तो मैं किधर गया, एक एंड टू, ठीक है, तो दो मैं एंडर चेस्ट बना लूँगा, ठीक है, आई थिंक एक ही बना पाऊँगा अभी तो। ओके कोई बात नहीं, चलो एक भी इनफ है फिलहाल के लिए तो। तो भाई अपने पास में आ चुकी है एंड चेस्ट, क्या बात है, और अभी एंड चेस्ट में हम रख सकते हैं अपनी मस्त मस्त चीज़ें, तो भाई इसमें यही सब चीज़ें रख देता हूँ। ओके और आई ऑफ एंडर भी रख ही देता हूँ इसी में, और ऑल राइट ठीक है, मैं सो लेता हूँ सबसे पहले तो। तो ठीक है यार, फिलहाल इसी के साथ में हमारे आज के इस एपिसोड को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज मैं आज ऑलरेडी काफ़ी देर से मैं खेलने जा रहा हूँ, सुबह को खेलने बैठा था, अभी रात हो चुकी है लिटरली, मैंने पता नहीं क्या क्या कर डाला है अपने इस वर्ल्ड में। और मैं अगर दिखाऊँ अपना वर्ल्ड का, डे नंबर 69 चल रहा है, ओके तो 69 नंबर का डे भी चल रहा है अपना, और अभी चलो ये डे के बाद तो 70 हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल यार हमारे आज के इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यार मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई केव में तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और भाई विलेजेस के साथ में हमने काफ़ी सारी ट्रेडिंग वगैरह की, और डायमंड के आर्मर वगैरह भाई मैंने बनाए हैं, और आज कुछ खास बिल्डिंग वगैरह नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्डिंग वगैरह के लिए सारी प्रिपरेशन वगैरह करके रखूँगा, तो भाई फिर
मैं कुछ मस्त सा बेस भी बिल्ड करूंगा, काफी सारी चीजें करने की हैं, तो भाई देखेंगे वो सब अब अगली वीडियो में। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm not afraid of the dark.